हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, वर्क कैसे करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब, जैसे कि स्टैटिक मतलब जो स्थिर रहता है, और रोटेटिंग मतलब जो रोटेट करता है। तो ट्रांसफार्मर में देखेंगे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में जो कि रोटेट करता है, वो स्थिर से रहता है। मीन्स ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। उसके बाद ट्रांसफार्मर को हम लोग पैसिव डिवाइस भी कहते हैं। पैसिव डिवाइस का मतलब होता है एक एक्टिव होता है, पैसे एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है जो पावर खुद से जनरेट करता है। बट ट्रांसफार्मर पावर को जनरेट नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं पावर को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को प्राइमरी से लोड के साइड ट्रांसफर करता है। तो इसलिए पैसिव डिवाइस, इसको हम एक्टिव डिवाइस नहीं कह सकते, क्योंकि खुद से ये पावर को जनरेट नहीं करता है। यहाँ पे मेंशन है, इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिसिटी वन सर्किट टू अनदर सर्किट। मतलब यह जो इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक ले जाता है। एक सर्किट मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, हम लोग सप्लाई को प्राइमरी से कनेक्ट करते हैं और लोड कहाँ कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में। तो यही इंट्रोडक्शन है ट्रांसफार्मर का। और हम लोग कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे। और ये जो बना हुआ है, ये क्या है, कोर। ये जो लंबा वाला है इसको हम लोग लिंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंब। और हम लोग वाइंडिंग, ये जो है ये घुमा घुमा हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग वाइंडिंग। तो वाइंडिंग हम लोग लिंब पे करते हैं, ना कि कोर पे। वाइंडिंग करते हैं हम लोग लिंब पे। और कोर होता है वो पतला पतला पत्ती से बनता है, जस्ट लाइक इस तरह से पतला पतला बहुत सारे जो स्टील और आयरन होते हैं उसको मिला के हम एक कोर बनाते हैं। तो ये रहा प्राइमरी साइड, ये रहा सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर को कोई भी साइड जिससे अगर हम सप्लाई कनेक्ट कर देंगे वो प्राइमरी साइड हो जाता है, और जहाँ से लोड वो सेकेंडरी। तो ये सप्लाई यहाँ से कनेक्ट किए हैं, ये जो सिंबल है एसी का है। और यहाँ से एक और क्लियर होता है कि ट्रांसफार्मर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसी के केस में यूज करते हैं, नॉट इन केस ऑफ डीसी। ओके, तो ट्रांसफार्मर हम लोग ओनली एसी के केस में यूज करते हैं। यहाँ सप्लाई, ये रहा लोड, इधर से लोड कनेक्ट होता है। लोड मीन्स हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आप अपने घरों के पास में देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर से और कितना आता है सप्लाई में, 11 kV। हम लोग कितना लेते हैं, 440 वोल्ट ओनली। तो यहाँ से क्या करता है, जो हम लोग के घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो पावर को स्टेप डाउन करके हम लोग को 440 देता है। तो यहाँ तक आई होप जितना मैं समझाया आप समझ चुके होंगे। सप्लाई को प्राइमरी से कनेक्ट कर, सॉरी प्राइमरी से जिस साइड हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं, डैट इज कॉल्ड प्राइमरी। ये ट्रांसफार्मर में आइडेंटिफाई, आप अगर कोई ट्रांसफार्मर आप न्यू खरीद कर लाएँ, देन यू कांट आइडेंटिफाई, बिकॉज आप जिसे प्राइमरी कर रहे हैं हो सकता है उसे हम लोड कनेक्ट कर दें, जिसे आप सेकेंडरी कर रहे हैं उसे हम सप्लाई कनेक्ट कर दें। तो यहाँ क्लियर हो जाए कि जिससे हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी साइड करते हैं, और जिससे लोड कनेक्ट होता है मीन्स हम लोग कंज्यूमर होते हैं, जहाँ से हम लोग के घर के लिए जहाँ से कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर का जिस साइड से, उसको हम लोग सेकेंडरी साइड कहते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेडिंग डालिए, फिगर बनाइए, उसके बाद लिखिए इन ट्रांसफार्मर देयर आर टू साइड्स, प्राइमरी साइड। इस तरह से आप लिखिए, ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड हम लोग उस साइड को कहते हैं जिससे सप्लाई कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी साइड हम लोग उस साइड को कहते हैं जिससे लोड को कनेक्ट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में आप ऐड कर सकते हैं कि हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं कोर पे करते हैं, ना कि लिंब पे करते हैं। सॉरी, हम लोग वाइंडिंग करते हैं लिंब पे, ना कि कोर पे। और इसमें एक और बात ऐड करिए कि कोर जो हम लोग बनाते हैं वो छोटे छोटे पतले पतले पत्ती से बनाते हैं। उसको इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट का जो लॉस होता है उसको कम करें, लिमिनेट करें। ओके, सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसका कंस्ट्रक्शन। बस मैंने जितना बताया वही इसका कंस्ट्रक्शन है। आप लोग मेंशन कर दीजिए अपने अपना इन योर वॉच यू कैन एक्सप्रेस इन एग्जामिनेशन। एंड नाउ ये देख लीजिए, प्राइमरी साइड है, यहाँ सप्लाई कनेक्ट है, ये सेकेंडरी साइड है, यहाँ लोड है P1 बोलते हैं प्राइमरी साइड, P2 बोलते हैं सेकेंडरी साइड, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ये पूरा क्या हो गया, ये जो बाइंडिंग है तो पूरा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो N1 ये जो वाइंडिंग है, इसमें जो टर्न्स होते हैं, जो कॉइल को वाइंडिंग करते हैं उसमें कितना टर्न्स हम ऐड किए हैं, डेट इज N1 इनटू उसी तरह इनटू सेकेंडरी साइड में जितना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का जितना नंबर ऑफ टर्न होगा वो होगा इनटू, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, मैं देख लीजिए V1 यहाँ का वोल्टेज V1 यहाँ का वोल्टेज V2, तो V1 अपॉन V2 यहाँ का वोल्टेज V1 यहाँ का वोल्टेज V2, देन V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन L2। N1 मीन्स नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग इज इक्वल टू K। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, यू हैव अ ट्रांसफार्मर एंड द प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज 50 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज 100 वोल्ट, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड
15 टर्न्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, इसको फाइंड करना बोलेगा। वी वन वी टू एन वन दे दिएगा, एन टू अगर निकालना है तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि बस के कॉन्स्टेंट होता है, इसके लिए वहाँ कोई जरूरत नहीं, उसको आप साइड भी कर सकते हैं, कहीं इसको हेल्प आता है न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वोल्टेज 50 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज 100 वोल्ट है, एंड नंबर ऑफ सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितना है 15 है, तो एन टू निकालें। तो आप इसको यहाँ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ मूव ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट बात जो एकदम आप एग्जामिनेशन कॉपी में अपना मेंशन करें, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो फ्राडे लॉ पे काम करता है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। क्या होता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो फ्राडे लॉ जो कहता है ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। देखिए ट्रांसफार्मर वो कैसे करता है, आप थोड़ा समझते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर इसी तरह से होता है, और थोड़ा ठंडा लग रहा है, इसी पे होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सप्लाई आता है, क्या सप्लाई होता है, एसी होता है, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ सप्लाई होता है एसी, एसी को क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट आता है, ये जो नंबर टर्न है ना, टर्न ही जो वाइंडिंग किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट के कारण अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं, जो फ्लक्स यहाँ खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और यही फ्लक्स जो इससे जाके जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग सप्लाई है, इस तरह से यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है। ओके, इस तरह से फ्लक्स बन रहा है, और ये फ्लक्स जो जंप किया इससे कनेक्ट कर गया। ओके, ये फ्लक्स है, इस तरह से यहाँ फ्लक्स का पाथ दिखाया गया है, ये फ्लक्स इससे कनेक्ट कर गया, और इससे जो कनेक्ट कर गया तो ये फ्लक्स, ये पहले सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, फ्लक्स इससे कनेक्ट हुआ, देखिए इसके कारण इस पर फ्लक्स जा रहा है, देन इसको हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, काम करता है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यही होता है, इसमें जो फ्लक्स जो हुआ वो इससे जाके लिंक करता है। इसमें तो सेल्फ फ्लक्स है, बताएं अल्टरनेटिंग करंट आएगा टर्न से, टर्न में यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स इससे लिंक करेगा। और यहाँ जब फ्लक्स लिंक करेगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा, EMF और ये जो हमारा और सेकेंडरी साइड को हम लोग लोड से कनेक्ट करते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और यहाँ पे जो है करंट का फ्लो हो जाता है, यही कहता है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, सप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये प्राइमरी वाइंडिंग से अल्टरनेटिंग करंट जो प्राइमरी वाइंडिंग में जाके वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो फ्लक्स जो होता है सेकेंडरी से लिंक करता है, जिसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जब लिंक सेकेंडरी में लिंक करता है फ्लक्स, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और यहाँ पे हम लोग लोड से इसको कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी साइड को, तो ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। यहाँ शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं समझिए कि आग लगेगा, शॉर्ट सर्किट मतलब रास्ता क्लोज पाथ मिलता है ताकि करंट फ्लो हो जाता है यहाँ पे, फिर करंट फ्लो होता है, फिर हम लोग करंट को पा लेते हैं आराम से, मतलब हम लोग का पावर घर तो आ जाता है। यही प्रोसेस होता है टोटल। हम लोग जानते हैं कि ओपन सर्किट रहेगा नहीं, ओपन सर्किट अगर रहेगा तो उस ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। ओपन सर्किट कहने का मतलब है कि इस एक सर्किट में क्या होता है, एक कोई सोर्स होता है, उसमें कोई पैसिव एलिमेंट होते हैं, ये सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और इसको ये क्या है, इसमें करंट फ्लो करेगा। ओके, इधर से करंट फ्लो करेगा, ये डीसी का सर्किट है, और हम लोग एसी में क्या बनाते हैं, इसके जगह पे रखते हैं क्या इसको, इसका एसी के केस में हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको डीसी केस में रेजिस्टेंस बोलते हैं, एसी के केस में इंपेडेंस बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एसी हो गया, यहाँ डीसी सोर्स है, ये बैटरी लगा हुआ है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है, ये सबसे क्लोज पाथ है, सब शॉर्ट सर्किट, बट ओपन क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखिए ओपन क्या होता है, इस तरह से खुला है, ये ओपन है, अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये ओपन है, उसी तरह से यहाँ ये शॉर्ट हो जाता, क्लोज पाथ में जाता और करंट फ्लो करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्राडे लॉ ये करता है। फ्राडे लॉ क्या कहता है, देखिए मेंशन है, फ्राडे लॉ कहता है ईएमएफ यहाँ पे जो इंड्यूस होता है, जो फ्लक्स लिंकेज इसका करता है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिसको हम डी फाइव अपन डी टी भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब ये जो फ्लक्स आता है,
इसका कहने का मतलब है कि ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें फ्लक्स कितना आ रहा है, जितना फ्लक्स आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर उसी के यहाँ पे क्लोज पाथ मिलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा करंट फ्लो करेगा। यही हमारा प्रिंसिपल सॉरी वर्किंग है ट्रांसफार्मर का। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत वीवी आई है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द विच प्रिंसिपल, हम लोग का एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके ये ट्रांसफॉर्म वर्किंग के आई होप आप एक बार देख लीजिए अच्छा से, आई होप आप समझ चुके होंगे पूरा। और यूजेस बता देते हैं, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो फर्स्ट में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते जो कहते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा ओवरऑल, क्योंकि मैंने अच्छे से सबको बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।